Hello students, in this session we will continue with exercise number 9.2, question number 4th. In figure, P is in the interior of the parallelogram ABCD. We have a parallelogram ABCD, जिसके interior में point P है. हमें ये prove करना है कि area of triangle APB, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी और पी सी डी, ये और ये ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी. और दूसरे में ये प्रूव करना है कि ये और ये ट्राइंगल का प्लस ये और ये ट्राइंगल के प्लस जितना होता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग. सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं क्यू आर विच इज पैरेलल टू ए बी. अब ये क्यू आर ड्रॉ करने की वजह से हमारे पास हो गया है ट्राइंगल ए पी बी और पैरेललोग्राम ए क्यू आर बी. ट्राइंगल ए पी बी और पैरेललोग्राम ए क्यू आर बी, जो ए बी और क्यू आर पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का बेस जो है ए बी वो सेम है. यानी कि ए पी बी का एरिया ए क्यू आर बी से हाफ होगा. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन. ए पी बी का एरिया ए क्यू आर बी से हाफ होगा. गॉट द फैक्ट. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है पी डी सी और यहाँ पे है क्यू आर पैरेलल टू सी डी. यानी कि पी डी सी और क्यू डी सी आर दोनों फिगर सेम बेस सी डी के ऊपर है, और दोनों पैरेलल लाइन सी डी और क्यू आर के बीच में है. दैट मीन्स ट्राइंगल पी सी डी का एरिया पैरेललोग्राम क्यू आर सी डी के एरिया से कैसा होगा, हाफ होगा. So that what we have written over here, triangle PCD का area parallelogram QDCR के area से half होगा. अब दोनों को plus कर दो. Area of triangle APB plus area of triangle PCD will be equal to half the area of parallelogram AQRB plus हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यू डी सी आर. अब ए क्यू आर बी और क्यू डी सी आर फाइंड आउट इन फिगर. ए क्यू आर बी और क्यू डी सी आर ये दोनों पैरेललोग्राम को मिला दो तो बड़ा ए बी सी डी बन जाएगा. दैट मीन्स हम इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ए पी बी सॉरी हाँ ए पी बी प्लस पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ए बी सी डी. दैट्स व्हाट वी नीड. तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो हमें मिल गया है. अब हम ड्रॉ करेंगे एम एन पैरेलल टू ए डी. नाउ अब पैरेललोग्राम ए एम एन डी और ट्राइंगल ए पी डी दोनों का बेस क्यू डी सेम है, और दोनों ए डी और एम एन पैरेलल लाइन के बीच में है. मतलब ए पी डी का एरिया ए एम एन डी के एरिया से होगा हाफ, और इसी तरह से एम बी सी एन और बी पी सी ये दोनों भी सेम बेस बी सी और पैरेलल लाइन बी सी और एम एन के बीच में है. मतलब बी पी सी का एरिया एम बी सी एन के एरिया से होगा हाफ. अब यही चीज़ लिखनी है हमें. सो एज आई सेड ए पी डी और ए एम एन डी सेम बेस ए डी के ऊपर है, और दोनों पैरेलल लाइन ए डी और एम एन के बीच में है. यानी कि ए पी डी का एरिया ए एम एन डी के एरिया से होगा हाफ. इसी तरह से पी बी सी और एम एन सी बी सेम बेस बी सी के ऊपर है, और पैरेलल लाइन एम एन और बी सी के बीच में है. मतलब पी बी सी का एरिया होगा एम एन सी बी से हाफ. गॉट इट. नाउ
दोनों को प्लस कर दो, APD प्लस PBC विल बी हाफ AMND हाफ MNCB। अब APD और PBC का प्लस एज इट इज, और AMND और MNCB, AMND और MNCB ये दोनों पैरेललोग्राम को मिला दो, मतलब पूरा पैरेललोग्राम बन गया ABCD। ठीक है, सो इन दोनों के प्लस की जगह पे हम लिख सकते हैं ABCD। डन। सो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC विल बी हाफ द एरिया ऑफ ABCD। लेकिन वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट हाफ द एरिया ऑफ ABCD यानी कि एरिया ऑफ APB एंड एरिया ऑफ PCD, तो हम हाफ एरिया ऑफ ABCD की जगह पे ये पुट कर देंगे। सो हियर वी हैव एरिया ऑफ APD एज इट इज, एरिया ऑफ PBC एज इट इज, और इसकी जगह पे एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। यही तो हमें प्रूव करना था। गॉट इट।